हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 12.3 सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एम इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। नाउ वी विल चेक हाउ टू फाइंड वैल्यू। इन प्लेस ऑफ एम वी हैव टू पुट वैल्यू ऑफ एम, दैट इज 2। देन वी विल गेट वैल्यू 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। आपको सिर्फ इतना करना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। देन सेकेंड पार्ट में देखिए, यहां पे भी हम ऐसे करेंगे, 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, 2। ये दोनों मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ, 3 इंटू एम ये मल्टीप्लाई है, तो 3 इंटू 2 माइनस 5, 3 टू जा 6 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 1। देन थर्ड पार्ट, 9 एज इट इज माइनस 5, 5 और m एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई है, 5 इंटू 2, 9 माइनस 10 दैट इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 होगा, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस किया 10 माइनस 1, 1 ग्रेटर 10, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है तो ये माइनस में आएगा। देन फोर्थ पार्ट, 3 m की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, 2 और इसके ऊपर ये स्क्वायर है, और स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 7, जहां भी m हमारे पास है वहां पे 2 आपको पुट करना है। देन 3 इंटू 2 स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है ये, ओके। जितने भी पार हो उतने टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2 टू जा 4 माइनस 7, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 माइनस 4। अब ये देखिए दोनों माइनस में, तो दोनों अगर माइनस में होते तो ऐड कर लेते हैं, साइन सेम रहता है, 11 दैट इज इक्वल टू 1। 5 बाय 2 और m ये क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या है हमारे पास, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, ओके सिंपल है। नाउ नेक्स्ट देखिए, 4p प्लस 7 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और p की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, माइनस 2। बिल्कुल सेम करना है जैसे आपने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, 4 इंटू यहाँ पे माइनस 2 लेना है प्लस 7। अब ये क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज का बन गया, फोर्थ चैप्टर में हमने किया था कि ऐसे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, 4 टू जा 8। जब भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना हो, नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और ये साइन माइनस एज इट इज रहेगा, 4 टू जा 8, माइनस 8 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस करेंगे माइनस 1, क्योंकि ग्रेटर नंबर 8 है और उसके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस साइन है। देन माइनस 3, पी की वैल्यू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 7, स्क्वायर मीन्स क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 को, प्लस यहां पे देखिए 4 टू जा 8 ये मल्टीप्लाई है, और क्या आएगा, प्लस माइनस, माइनस साइन आएगा, साइन चेंज हम मल्टीप्लाई में करते हैं, 4 प्लस 2 सॉरी 4 टू जा 8 प्लस 7। यहां से देखिए माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, एक माइनस बचा तो माइनस, 3 टू जा 6, 6 टू जा 12 माइनस 8 प्लस 7, ये दोनों माइनस में, इनको ऐड कर लेते हैं, माइनस 20 प्लस 7, दोनों एक प्लस में एक माइनस में, माइनस करेंगे 13 आया, ग्रेटर नंबर 20 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, सो माइनस। देन 2 पी क्यूब आ गया, क्यूब मीन्स क्या होता है, इसकी पावर 3, देन 3 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 प्लस 7, ओके। अब इसमें क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस 2 इंटू माइनस 2 ये वाला इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, थ्री टाइम्स करना था ये क्योंकि इसकी पावर 3 है। देन माइनस 3 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, इसकी पावर 2 है तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, यहां से क्या आएगा, 4 टू जा 8 माइनस 8 प्लस 7, ओके। आपको ये उधर ही नोट करना है, यहां पे देखिए माइनस ये कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहां से हमारे पास सारा प्लस में आएगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16,
यहां से माइनस में आएगा, 3 2 6, 2 12, और इन दोनों को माइनस अगर करेंगे तो हम -1 आएगा। अब ये दोनों सेम साइन है तो -13 हो गया, दोनों को ऐड किया और 13 और 16 एक प्लस में एक माइनस में किया माइनस, तो 3 ग्रेटर नंबर 16, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ साइन मीन्स प्लस में है ये, तो आंसर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस व्हेन एक्स इक्वल टू -1। एक्सप्रेशन से हमें गिवन है, फोर्थ पार्ट आप अपने आप से करेंगे, थ्री पार्ट्स मैं करा देती हूँ आपको। 2 और x की जगह आपको वैल्यू क्या रखनी है, -1। 2 × -1 -7, इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 और साइन -7, दोनों माइनस में तो -9। यहाँ पे भी आपको माइनस ऑलरेडी है, देन वैल्यू ऑफ एक्स इज -1, सो ब्रैकेट में नोट किया, +2। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होता है तो ये साइन प्लस हो जाएगा, 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3। देन थर्ड में देखिए, -1² + 2 × -1 + 1, -1² मीन्स -1 × -1, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 आया, और प्लस माइनस माइनस साइन आएगा चेंज, +1। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्या आया, 1 - 2 + 1। 1 प्लस ये दोनों अगर करते हो सोल्व तो -1 + 1 ये क्या आ गया, 0। ओके, फोर्थ पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशंस व्हेन ए इक्वल टू 2 बी इक्वल टू -2। सो फर्स्ट पार्ट इज a² + b², वी विल पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर आप लोग यहाँ पे पुट करना चाहते हो, लिखना चाहते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वो भी आप नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर आप नोट करते हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। यहाँ पे क्या नोट करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी वी गेट, सभी क्वेश्चंस में अगर ऐसे नोट, क्योंकि एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन आता है तो उसमें तो आपको नोट करना ही होगा। ए की वैल्यू 2 है तो 2² + बी की वैल्यू -2 है, -2². 2² मीन्स 2 × 2, ये माइनस में है तो -2 × -2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 2 = 4 + 2 2 = 4 दैट इज इक्वल टू 8। देन बी पार्ट, इसमें भी आपको नोट करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ, देन 2² + 2 × -2 + -2². देन 2² मीन्स 2 × 2 + यहाँ पे देखिए 2 2 = 4, लेकिन किस में आएगा, माइनस में, और प्लस माइनस माइनस, ये साइन चेंज कर दिया मैंने, इधर -2 × -2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 2 = 4 - 4 ये दोनों जीरो हो गया, +2 2 = 4। ठीक है, थर्ड पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सभी में देखिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेकेंड और थर्ड पार्ट मैं कराऊंगी, रिमेनिंग आप अपने आप से करेंगे। अब इसमें आपको ये अपने आप से नोट करना है पुटिंग वैल्यू ऑफ, ठीक है, ए एंड बी वी गेट, दोनों में ए और बी की वैल्यू नोट करेंगे, ए की वैल्यू यहां पे 0 है और बी की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 × 0² + बी वैल्यू इज -1² + 1, 2 × 0 × 0 + -1 × -1 + 1 जो क्वेश्चन में गिवन था वो। अब देखिए 2 × 0 करेंगे, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया, 1 × 1 = 1, तो ये हमारे पास क्या आया, 2। देन थर्ड पार्ट में सेम पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वी गेट 2, वैल्यू ऑफ ए इज 0 एंड वैल्यू ऑफ बी इज -1, प्लस 2, वैल्यू ऑफ ए 0, वैल्यू ऑफ बी -1² + 0 × -1।
अब यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह जीरो आ रहा है, जहां पे जीरो आएगा पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो आ जाएगा, लेकिन आपको सॉल्व करके देखना है। तो टू इंटू जीरो इंटू जीरो इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू जीरो इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस ये जीरो हो गया, ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा, जीरो। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू इफ एक्स इक्वल टू टू। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, अब इसमें पहले ब्रैकेट को हम सोल्व करते हैं, एक्स प्लस सेवन प्लस ये फोर है बाहर ब्रैकेट के, तो फोर एक बार एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक बार फाइव के साथ, फोर एक्स माइनस फोर फाइव जा ट्वेंटी। नाउ लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे, एक्स प्लस फोर एक्स प्लस सेवन माइनस ट्वेंटी, फोर प्लस वन फाइव एक्स, यहां से एक प्लस में एक माइनस तो माइनस थर्टीन। ओके नाउ वी विल पुट वैल्यू, यहां पे हम नोट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू टू वी गेट फाइव इंटू टू माइनस थर्टीन, टेन माइनस थर्टीन दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। ओके अब आपको ये ऐसे सोल्व करना है, सिंप्लीफाई बोला गया है। अब इसमें भी ऐसे करेंगे, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स के साथ, फोर को वन के साथ प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन, ये फोर्थ पार्ट है, टू पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। फोर टू जा एट एक्स माइनस फोर प्लस थ्री एक्स प्लस इलेवन, इन दोनों को कलेक्ट करेंगे क्योंकि जो लाइक टर्म है, देन इलेवन एक्स, यहां से हमारे पास क्या आएगा प्लस में सेवन, एक प्लस में एक माइनस में माइनस किया, इलेवन इंटू टू यहां पे लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू टू, ट्वेंटी टू प्लस सेवन दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी नाइन। ओके नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन एंड फाइंड देयर वैल्यूज इफ एक्स इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू माइनस वन बी इक्वल टू माइनस टू। अब इसमें देखिए क्या है, सिंप्लीफाई दीज एक्सप्रेशन, तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर सकते हो सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हो। पहले वाले में भी आपको सिंप्लीफाई करना था, लेकिन मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करा दी थी क्योंकि आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो, कहते हो कि नहीं हमें सिंप्लीफाई करना है, तो उसको कैसे करेंगे वो आपको ये देखना होगा। फर्स्ट वी विल कलेक्ट द लाइक टर्म्स, थ्री ए माइनस एट ए प्लस फाइव प्लस वन, एट माइनस थ्री माइनस फाइव ए प्लस सिक्स। नाउ वी विल पुट पुटिंग ए इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए इज माइनस वन, माइनस फाइव इंटू माइनस वन प्लस सिक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन प्लस होगा, फाइव वन जा फाइव प्लस सिक्स दैट इज इक्वल टू इलेवन। ओके दोनों तरीके से आप कर सकते हो। देन टेन माइनस, इसको करेंगे सिंप्लीफाई, टेन माइनस फोर माइनस थ्री बी माइनस फाइव बी, दोनों लाइक टर्म है ये, टेन माइनस फोर सिक्स, इन दोनों में सेम साइन है, प्लस करेंगे फाइव प्लस थ्री एट बी। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ बी दैट इज माइनस टू, वी गेट सिक्स माइनस ए इंटू माइनस टू, सिक्स माइनस फोर एट टू जा सिक्सटीन, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू। ओके रिमेनिंग पार्ट यू विल डू योर सेल्फ। नाउ क्वेश्चन नंबर एट, इफ z इक्वल टू टेन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, z क्यूब एज इट इज माइनस थ्री को मल्टीप्लाई किया थ्री जी, देन थ्री को मल्टीप्लाई किया टेन के साथ, लेकिन बाहर माइनस साइन है तो ये साइन प्लस हो जाएगा थ्री इंटू टेन। नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ z that is 10, we get 10 cube minus 3 into 10 plus 30, 10 into 10 into 10 minus 30 plus 30, ये हमारे पास आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक माइनस में एक प्लस में, that is equal to 1000, then p square minus 2p minus 100
पुटिंग पी इक्वल टू माइनस टेन वी गेट माइनस टेन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस टेन, यहां पे कोई साइन नहीं मीन्स ये मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस हंड्रेड, माइनस टेन इंटू माइनस टेन होगा, ये स्क्वायर है, देन ये माइनस माइनस प्लस ट्वेंटी माइनस हंड्रेड, अब ये टेन इंटू टेन हंड्रेड, साइन कैंसिल हो गया, माइनस हंड्रेड प्लस ट्वेंटी ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या है हमारे पास ट्वेंटी। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए इफ द वैल्यू ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल्स टू फाइव, इसकी वैल्यू हमें गिवन है क्या, टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए इक्वल टू फाइव व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो। नाउ पुटिंग एक्स इक्वल टू जीरो वी गेट टू इंटू जीरो स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ए इक्वल टू फाइव, अब टू इंटू जीरो प्लस, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो है ये, सो माइनस ए इक्वल टू फाइव और टू इंटू जीरो ये जीरो हो गया, जीरो माइनस ए इक्वल टू फाइव। अब कभी भी वेरिएबल के सामने माइनस नहीं रहता तो हम इसको किधर ट्रांसपोज कर देंगे, नंबर की साइड, सो ए इक्वल टू माइनस फाइव। नाउ क्वेश्चन नंबर टेन, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड इट्स वैल्यू व्हेन ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू माइनस थ्री, और एक्सप्रेशन हमें ये गिवन है, सॉरी यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करते टाइम टू को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक बार ए बी के साथ, सो टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस थ्री माइनस ए बी। नाउ वी विल कलेक्ट द सेम वेरिएबल टर्म्स, प्लस टू ए बी माइनस ए बी प्लस थ्री, ये दोनों सेम है, टू ए स्क्वायर यहां से हमारे पास क्या आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, माइनस किया तो प्लस वन ए बी प्लस थ्री। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू फाइव एंड बी इक्वल टू माइनस थ्री, टू वैल्यू ऑफ ए इज फाइव स्क्वायर प्लस ए फाइव इंटू बी माइनस थ्री प्लस थ्री। अब यहां पे देखिए टू इंटू फाइव इंटू फाइव प्लस, अब ये देखते हैं पहले फाइव थ्री जो फिफ्टीन, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री, फाइव टू जो टेन, टेन फाइव जो फिफ्टी, फिफ्टी माइनस फिफ्टीन प्लस थ्री, इन दोनों को माइनस करेंगे देन वी विल गेट थर्टी फाइव प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू थर्टी एट, दिस इज आवर आंसर। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।